नमस्कार, जयवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। खबर नागौर जिले के मकराना से है, जहां पर शनिवार को भाजपा प्रदेश मंत्री विजेंद्र पुनिया के मुख्य आतिथ्य में बोरावड रोड स्थित एक मार्बल प्रतिष्ठान पर किसान चौपाल का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव पुनिया ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसान हित में जो बिल पारित किया गया है वह किसान के लिए लाभकारी है। उन्होंने कहा कि किसान बिल के बारे में गांव ढाणी तक चौपाल लगाकर सभी किसानों को इसकी जानकारी दी जाएगी। मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया ने संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार अपराध जैसे मुद्दों में ये नंबर वन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आए दिन बलात्कार जैसी वारदातें होती रहती है। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए जिला महामंत्री रामाकिशन चौधरी ने कहा कि इस किसान बिल का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किसानों को मिले, ताकि किसान आत्मनिर्भर हो सके और किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी बन सके, जिससे भारत देश आत्मनिर्भर बन सके। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष रामगोपाल गहलोत, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष घनश्याम सोनी ने भी समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष रमेश व्यास, बोरावड मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, बोरसू मंडल अध्यक्ष गिरवर सिंह देवला, मकराना शहर मंडल महामंत्री विक्रम सिंह, आर के इंदौरा, सर्वे शर्मांदनिया, ईश्वर बंजारा, बजरंगलाल, राजेंद्र व्यास, अशोक व्यास, पूरनमल चौहान, कैलाश शर्मा, शैलेश जोशी, नंद सिंह, बजरंग शर्मा, ओम प्रकाश चौहान, चेनाराम मुरावतिया, ओम प्रकाश मेघवाल, कृष्णा दादी, सुखाराम बामू, शिवजी राम बुल्डक, राधा वल्लभ व्यास, गिरधारी लाल सहित गणमान्य लोग व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मकराना से जितेंद्र सेन की रिपोर्ट। ये लगभग उन्होंने तय कर लिया, कांग्रेस ने, कांग्रेस और कम्युनिस्ट, उन्होंने तय किया इस विधेयक की हम विरोध करेंगे। मैं आप सब कार्यकर्ताओं के बीच में पत्रकार साथियों के बीच में बताना चाहूंगा, इस विधेयक का पूरे देश भर में किसान कहीं विरोध नहीं कर रहा है। आप किसी मंडी में चले जाइए, परसों बीकानेर की मंडी में थे, 1000 किसान वहां, अलग अलग किसानों से बात हुई, किसी किसान को कष्ट नहीं है, उसका परिणाम आना शुरू हो गया। कल नागौर की कृषि मंडी में थे हम, वहां जो किसान मूंग की बोली हो रही थी, किसी किसान को कष्ट नहीं है, लेकिन व्यापारी को भी कष्ट नहीं है। कष्ट राजनीतिक दलों को है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान के कल्याण के लिए इतना बड़ा ऐतिहासिक बिल लेकर के आए हैं, इसलिए उसका विरोध तो करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, विरोध करना है हमें, इसलिए विरोध करना चाहिए। इस किसान कृषि सुधार विधेयक आने के बाद में किसान को उसकी उपज का उचित माल मिलेगा, वो कहीं पर भी बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। हम इस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में, पड़ोस के क्षेत्र में जीरा होता है, नागौर में पान मेथी होती है, मेरता डेगान इसके आसपास के नागौर के क्षेत्र में भी, वहां पान मेथी का मार्केट, वहां जो आकर के खरीदेगा, जिस रेट पे खरीदेगा वही रेट उसको मिलने वाला है, अन्य रेट नहीं मिलता। लेकिन इसके बाद में बाहर के राज्यों से भी व्यापारी यहां आकर के आपका फसल का उचित दाम देकर के वो खरीद सकेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अधिकांश अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और यहाँ का 86% किसान है जो करने खेती करने वाले, वो लघु सीमांत किसान है, उसका छोटी जोत का खेती जो करते हैं उसको उचित दाम नहीं मिलता, वो अन्य स्थानों पर जाकर के बेच नहीं सकता।